हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, ज्वाइंट पेन, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट, ऐसी समस्या है जिससे देश के करोड़ों लोग पीड़ित हैं और आफ्टर 50 तो लगभग 50% लोगों को ये समस्या है। उसके लिए आप क्या करें? आप वो हम उपाय बताएंगे जिससे आप अपने घर में ही रह करके अपनी इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अन्यथा मेडिकल साइंस में रेमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई समाधान नहीं। क्या करें आप? सबसे पहले आप अपने जॉइंट्स की एक्सरसाइज करें, उसके बाद में जो आप सरल सहज आसन कर सकते हैं वो करें, और फिर जो मुख्य प्रक्रिया है इस आर्थराइटिस को मिटाने की, प्राणायाम की, उसका अभ्यास करें। और यदि जोड़ ऐसे हो चुके हैं कि माना कि हर एक जॉइंट में इतना पेन है कि आप हिल ही नहीं पा रहे, तो क्या करें उस स्थिति में? जब बहुत सूजन हो जोड़ों के ऊपर और बहुत दर्द हो, तो आप एक काम करना, या तो सिकाई कर लेना, गर्म सिकाई करनी हो तो लगभग आप 100 ग्राम ले लेना रेत, बालू, रेत ले लेना, मिट्टी, रेत, बालू, वो लगभग 100 ग्राम। 100 ग्राम रेत के अंदर आप 100 ग्राम सेंधा नमक मिला देना, 100 ग्राम रेत, 100 ग्राम सेंधा नमक, उसके अंदर आप लगभग 20 ग्राम अजवाइन मिला देना, 20 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम सेंधा नमक, 100 ग्राम रेत, इन सब को, ये आपके घर में उपलब्ध है सारी चीजें, इनको एक पोटली में बांध लीजिए, कपड़े की पोटली में। उस कपड़े की पोटली को तवे पर गर्म करना और जहां सूजन है और दर्द है वहां सिकाई कर लेना, जिस जिस जोड़ पर, पैरों में, हाथों में, पूरे शरीर पर, जहां जहां सूजन है वहां सिकाई कर लेना। किसी को गर्म से एक अनुकूल नहीं आए तो आप पानी में डाल करके लगभग 2-3 चम्मच सेंधा नमक, 2-3 चम्मच बिनोले, बिनोले जो गाय भैंसों को खिलाते, 2-3 चम्मच सेंधा नमक, बड़ी चम्मच, 2-3 चम्मच बिनोले, 1 चम्मच अजवाइन, और यदि आपको उपलब्ध हो जाए तो हार श्रृंगार, पारिजात जिसको बोलते हैं, उसके पत्ते या फूल। हार श्रृंगार के पत्ते या फूल न मिले तो आप मार्केट से निर्गुंडी के पत्र ला सकते हैं, वो 2-3 चम्मच ये पानी में डाल करके, और इसका वाष्प ले लीजिए आप, उबाल करके कुकर में डाल करके वाष्प ले सकते हैं, और इसको उबाल करके इसके गर्म पानी से अपने शरीर में जहां जहां सूजन है, दर्द है, वहां वहां सिकाई कर सकते हैं। देखो, एक्यूप्रेशर के पॉइंट एक बार खास ध्यान से देख लीजिए, फिर आप सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम ठीक से कर पाएंगे। आर्थराइटिस के लिए, आर्थराइटिस तो बहुत बड़ी समस्या, देश के करोड़ों लोगों की समस्या। आप जहां जहां आपको मालिश करनी है वहां वहां आप इस तरह से मालिश कीजिए। देखो ये पीछे के पॉइंट, ये चैनल, ये सारे आर्थराइटिस के लिए, इनमें ऐसे तेल लगा के मालिश कीजिए। जहां जहां जिन जिन संधियों में दर्द है, सूजन आ रही है, सूजन है, दर्द है, वो भी मिट जाएगी इसी तेल से, और ये मालिश करें, ऐसे दबा लेना। ये पीछे से दबा लेना, सारे दर्द निवारक पॉइंट है, कहीं पर भी दर्द है, पूरे जोड़ों में दर्द है, बस ये पीछे की ये पॉइंट दबाइए सभी। ये पीछे के चैनल्स, एक एक चैनल पर 1 से 2 मिनट दबा सकते हैं, दबाना छोड़ना इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से यूं कर लेना। ये खास बहुत ही जरूरी, जिनको जोड़ों में दर्द है उनके लिए पीछे के चैनल सारे दबा दें, 1-2-3, यहां से जोड़ से, यहां से शुरू करके और पीछे तक, यहां से शुरू करें और जहां पीछे हड्डियां मिलती है वहां तक दबा दें, ये पूरा एक चैनल, दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, और ये फर्स्ट, ये सर्वाइकल सोलाइटिस, पेन, फ्रोजन शोल्डर आदि की समस्या भी ठीक हो जाएगी। ये पीछे के चैनल खास जरूरी आर्थराइटिस के लिए। और एक और भी जरूरी पॉइंट, जो मास्टर पॉइंट है बॉडी में, हाथ में भी, पैर में भी, ये पॉइंट दबाना, इससे सभी प्रकार के दर्दों से छुटकारा मिलेगा। एक्यूप्रेशर, ये हाथ में हमने बताया, ये पॉइंट भी सभी में फायदा,
और जब भी आप प्राणायाम के लिए बैठे आप ऐसे बैठे इस मुद्रा में, ये मुद्रा, इस मुद्रा में बैठने से वात रोगों में लाभ होता है। ऐसे बैठ, इस तरह से बैठ करके प्राणायाम करना, ये मुद्रा। एक्यूप्रेशर हाथों का बताया आपको, पैरों का भी इसी तरह से एक्यूप्रेशर कर लेना। देखिए पैरों का एक्यूप्रेशर बताते हैं आपको अभी। पैरों का एक्यूप्रेशर, पैर में ये जो जिसमें माताएं बहनें बिछुए पहनती है, इसको यहां से दबा देना उंगली को, ये खास टोप पर दबाना। कमर दर्द, शटिका पेन, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, आर्थराइटिस, सारी समस्याएं टोप पर दबाना और बीच में दबाना, ये खास इस उंगली को जिसमें अक्सर अंगूठी पहनते हैं, बिछुए पहनती है माताएं बहने, इस उंगली को टोप पर दबाना, बीच से दबाना, ये खास पॉइंट आर्थराइटिस के लिए जरूरी। और फिर ये पीछे के सारे पॉइंट दबा देना, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, सब ठीक। एक दो तीन चार, चार चैनल है, यूं मालिश करने से फायदा होगा। और एक एक पॉइंट को यूं दबा लें, ये सारे पॉइंट दबाइए। एक एक पॉइंट को आप एक से लेकर के पांच मिनट तक दबा सकते हैं, बहुत ज्यादा आर्थराइटिस है तो। देखना आप बहुत थोड़े ही दिनों में आपका आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा, वर्षों पुराना आर्थराइटिस महीनों में ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। ये पॉइंट दबाएं, ये खास पॉइंट, पीछे के सारे चैनल, एक दो तीन चार, ये यहां दबाने से चट्टे का पेन, कमर का दर्द, ये सब भी दूर होगा। फिर ये दूसरा तीसरा, ये जो चैनल है बीच के, ये घुटने के दर्द के लिए खास। फिर ये वाला है कमर का दर्द, घुटने का दर्द, सब इससे भी, ये पूरा स्पाइन के लिए। और फिर एक पॉइंट ये इधर से भी, इसको भी दबा लें यहां से। एड़ी में दर्द है तो फिर यहां से पीछे से दोनों तरफ से ये पॉइंट दबा दें। एड़ी में दर्द है दोनों तरफ से, इधर से ये भी दबाएगा और ऐसे ये दबा दें, पीछे से भी ये पॉइंट दबा दें, ये स्पाइन में भी लाभ करेगा। पीछे से पूरा इसको दबा दीजिए, ये पूरा पॉइंट, इसके ऊपर तेल लगा के ऐसे मालिश कर दीजिए। ये एक्यूप्रेशर, तेल से थोड़ी मालिश सिकाई, उसके बाद थोड़े जॉइंट आपके फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। तो फिर क्या करना, आप सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं करना। सूक्ष्म व्यायाम की एक ही क्रिया को दो तीन बार से शुरू करके पांच बार, बीस बार तक कर सकते हैं। सबसे पहले पैरों के लिए उंगलियों को आगे पीछे दबाना, ऐसे एक एक क्रिया को पहले दिन पांच पांच बार करना। उंगलियों को आगे पीछे पूरी ताकत से दबा रहे हैं, उंगलियों से शुरू कर रहे हैं हम। फिर उंगलियों के बाद पूरे पंजे को दबाना, पूरा पंजा आगे पीछे दबेगा। ये जोड़ों के दर्द के लिए पांच बार से प्रारंभ करके दस बार, पंद्रह बार, बीस बार, आप एक एक ज्वाइंट को इस तरह से, और बहुत जाम है आपका ज्वाइंट तो खुद हाथ से पकड़ करके इसको दबा सकेंगे बाद में आप। आगे पीछे दबाने के बाद एक एक पैर को गोल घुमा देना, बड़ा आसन बना देना पूरी गोलाई में। एक पैर छोड़ने के बाद दूसरे पैर से पूरी गोलाई में घुमाना। तो ज्वाइंट पेन के लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही जरूरी है। आसन तो थोड़ा फायदा करेंगे लेकिन सूक्ष्म व्यायाम आपको ज्यादा लाभ करेगा। यदि आपको अर्थराइटिस है, रेमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो ठीक हो जाएगा। एक महीने से लेकर के आपको तीन महीने तक का अधिकतम लगभग समय लगेगा। और बहुत ही भयंकर आपको 15-20 साल पुराना अर्थराइटिस है तो 5-6 महीने लग जाएंगे, साल भर लग जाएगा, लेकिन अर्थराइटिस आपका ठीक हो जाएगा 100% अर्थराइटिस का क्योर। फिर दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर थोड़े घरेलू उपचार भी कर लेना, हल्दी, मेथी, सौंठ, गोल घुमाते रहिए, बड़ा शून्य बनाते भी रहिए और मेरी बात भी सुनते रहिए। हल्दी, मेथी, सौंठ 100-100 ग्राम, 100 ग्राम सुरंजान, फिर 100 ग्राम अश्वगंधा, ये पांच चीजें हो गई। हल्दी, मेथी, सौंठ, मीठी सुरंजान और अश्वगंधा, इन को 100-100 ग्राम लेकर के और बाद में एक एक चम्मच सुबह शाम इसको दूध या पानी से ले लें। ये विशेष अभ्यास हमने पैरों के लिए, नीचे वाले भाग के लिए बताया। अब एक अभ्यास घुटने के लिए भी और पैर के लिए भी।
पूरे पैर के लिए, घुटने के लिए। यूं दबाना पैर को और ऊपर उठाना, श्वास अंदर भरते पैर को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते नीचे दबाएं। दाहिने पैर को मोड़ के रखा अपने बाएं पैर के ऊपर, दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर की जंघा के ऊपर, दाएं हाथ घुटने के ऊपर रखें जब नीचे की ओर दबाते हैं घुटने को, और जब ऊपर उठाते हैं तो घुटने के नीचे हाथ ऐसे। यदि उंगलियां आगे पीछे मुड़ती ही नहीं है, इतना दर्द है, तो ऐसे हाथ से पकड़ के आप खुद मोड़ सकते हैं अपनी उंगलियों, दूसरों से सहारा लेने की जरूरत ही नहीं। और यदि घुटने ना मुड़ते हो तो फिर दूसरों से करवा लेना आप, इस तरह से खुद अपने हाथ से कीजिए। और पूरे पंजे को भी यूं कर सकते हैं, पूरे पंजे को आगे पीछे तो हम सीधे करके करवा रहे थे, और यूं गोल घुमा लेना अपने आप कीजिए। यदि घुटना मुड़ता है तो, नहीं मुड़ता है तो दूसरों से करवा लेना, यदि घूमता ही नहीं है तो यूं पूरा गोल घुमा लीजिए इस तरह से। ये आप खुद आत्मनिर्भरता के साथ अपने इस अर्थराइटिस को, प्रॉब्लम इस अर्थराइटिस जैसे भयंकर रोग को आप खुद मिटा सकते हैं यूं। और इस तरह से एक एक पैर से करने के बाद दूसरे पैर से भी यदि आपकी उंगलियां हिलती नहीं है तो आप पकड़ के यूं हिला लीजिए, यूं हिलाएंगे आगे पीछे भी, पूरे पंजे को दबाएंगे पूरी ताकत के साथ और गोल भी घुमा देंगे। यदि पैर हिलता ही नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं। फिर घुटने के लिए, घुटने में ज्यादा दर्द है तो उसके लिए एक अभ्यास है, यूं बैठ करके आगे पीछे घुटनों को यूं दबाना, बहुत जरूरी घुटने के दर्द के लिए। हल्दी मेथी सोंठ सुरंजान, मीठी सुरंजान और अश्वगंधा का प्रयोग साथ में करते रहेंगे तो जल्दी फायदा होगा। आगे पीछे पैरों को दबाने वाला अभ्यास आप सीधे लेट करके भी कर सकते हैं, लेटे लेटे भी आप जो पैरों को यूं दबा सकते हैं। ये पैर वाली सारी एक्सरसाइज आप माने कि आप बैठ ही नहीं सकते तो लेटे लेटे यूं आगे पीछे पहले उंगलियों को दबाइए, उंगलियों को दबाने के बाद पूरे पंजे को यूं दबा लीजिए और यूं गोल घुमा लीजिए एक एक पैर को, और फिर दोनों पैरों को एक साथ, फिर घुटनों को भी खींचना और ढीला छोड़ना, इसको ऐसे कर सकते हैं आप। आपसे बैठा ही नहीं जाता, आप लेटे लेटे भी ऐसे घुटने को यूं हिला सकते हैं, कुर्सी पर बैठ करके भी घुटने को यूं हिला सकते हैं, इससे घुटनों की एक्सरसाइज हो जाएगी। आप उल्टे लेट करके भी जो है अपने घुटनों को पीछे से मोड़ सकते हैं और सीधा कर सकते हैं, वो आसनों के दौरान हम बताएंगे। एक अभ्यास और है घुटनों के लिए, खड़े होकर के हम बताएंगे एक अभ्यास घुटने के दर्द के लिए खड़े होकर के, कि घुटनों में ज्यादा दर्द है तो उस अभ्यास को भी आप कर सकते हैं। वो इस तरह से होगा, घुटनों को यूं खींचना और छोड़ देना, घुटनों के लिए खास घुटनों को यूं खींचें और छोड़ें। खास अभ्यास घुटनों के लिए, घुटनों को खींच रहे हैं छोड़ रहे हैं ढीला, एक अभ्यास और, दोनों हाथ यूं घुटनों के ऊपर रख करके थोड़ा सा झुक के आप यूं हिला ले घुटनों, ये घुटनों के लिए खास एक्सरसाइज जिनको घुटनों में दर्द है। अर्थराइटिस में हाथ पैर की उंगलियों से लेकर के आपके घुटने सबसे ज्यादा जल्दी जाम होते हैं, घुटने फिर बदलवाने पड़ते हैं, और घुटने बदलवा करके बाद में आदमी का हो जाता है बुरा हाल। 5 साल के बाद कहाँ जाओगे फिर, 5 साल के बाद तो फावर के घुटने काम नहीं करेंगे, ओरिजिनल घुटने 400 साल तक काम करेंगे। घिस, यदि आपके हड्डियां घिस गई हैं, घुटने घिस गए हैं, तो दोबारा से आपके कार्टिलेज आ जाएंगे, उसमें थोड़ा सा हल्दी का, शिलाजीत का, गुग्गल का प्रयोग और कर लेना, और ये योगाभ्यास भी करते रहना। ये विशेष अभ्यास आपको हमने घुटनों के लिए बताया।